बिलासपुर से बड़ी खबर आपको दिखा दें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज सुबह शहडोल जिले के सिंहपुर रेलवे स्टेशन में सिग्नल ओवरशूट होने के कारण दो मालगाड़ियां और एक खाली इंजन आपस में टकरा गए। इस घटना में एक लोको पायलट की मौत हो गई जबकि 5 रेल कर्मचारी घायल हुए हैं। सभी घायलों को शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि हादसे के कारण अप डाउन और मिडिल तीनों लाइन पर रेल परिचालन ठप हो गया, जिसकी वजह से 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। 3 ट्रेनों को आधे रास्ते में रोका गया। 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई, 1 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट करने के उपरांत इंजन सहित 9 वेगन डैमेज हो गए हैं। इसके फलस्वरूप अप डाउन एवं मिड लाइन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल परिचालन अवरुद्ध है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई है और 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। तो उसमें से एक जन की मृत्यु हुई है और 1-2 क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल कॉलेज में है। और यहाँ पर जो भी संभव उपाय हो सकते हैं कि कहीं आग वगैरह फैले, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि और आगे कोई कैजुअल्टी ना हो। कितने लोग की मौत हुई? 1 की मृत्यु हुई है और 2 क्रिटिकल हैं जो मेडिकल कॉलेज में है। सारा रेस्क्यू चालू? हाँ, रेस्क्यू चालू। टोटल 5 लोग मेडिकल कॉलेज गए हैं जी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत, छत्तीसगढ़।